सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लर्न विद विपुल को और बेल आइकॉन दबाएं हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, लर्न विद विपुल में आप सबका स्वागत है। कल मैंने व्हाट्सएप पे बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को मैसेज किया, जिनसे पूछा गया कि कैसी चल रही है आपकी तैयारी। तो मैक्सिमम यानी 80% से ज्यादा लोगों ने अभी तक तैयारी स्टार्ट ही नहीं किया है। और उनका उधर से जो रिप्लाई आया उसमें लिखा था, क्या सर अब 1 महीने बचे हुए हैं, 1 महीने में एग्जाम को पास किया जा सकता है, कैसे तैयारी की जाए। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस 1 महीने में, लास्ट के जो 1 महीने बचेंगे उसमें आप GIB पास कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जो भी नए अपडेट्स आते हैं आप तक पहुंचे और आप स्मार्ट तरीके से अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर पाए। देखिए, ये जो क्वेश्चन है, क्या 1 महीने में कैन आई पास GIB इन 1 मंथ, इसका आंसर है आप बिल्कुल पास कर सकते हैं, 1 महीने में भी GIB पास किया जा सकता है, यू स्टिल हैव टाइम। देखिए, एक बहुत पुराना कहावत है, हिंदी में है, जब जगो तभी सवेरा, इंग्लिश में कहते हैं इट इज नेवर टू लेट। अभी से भी सबकी अपनी परेशानियां थी, लगभग 600 लोगों का कल रिप्लाई आया है, 600 लोगों में आप कह सकते हैं अप्रॉक्स 500 लोगों ने अभी तैयारी स्टार्ट ही नहीं की है। कुछ लोगों ने ही कहा है कि हाँ सर तैयारी स्टार्ट है, तैयारी चल रही है। तो सबके अपने अपने रीजंस थे, किसी के यहाँ ऑफिस में ज्यादा वर्क है, किसी की ट्रांसफर हुई है, किसी का प्रमोशनल एग्जाम था, बहुत सारे रीजंस थे। तो रीजंस जो भी हो हटा देते हैं उसको, आज से अभी से हम लोग कर सकते हैं कि नहीं इस पर डिस्कशन करना है। जब जगो तभी सवेरा होता है और इट इज नेवर टू लेट, इसका मतलब है आप आज से भी स्टार्ट करके GIB को क्लियर कर सकते हैं। कैसे करना है ये आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपको एक रूटीन बनाना होगा। अब आप सोचोगे रूटीन क्यों बोल रहे हैं सर, अब तो हम लोग जॉब कर रहे हैं, काफी बड़े हो गए हैं, रूटीन की क्या आवश्यकता है। बिल्कुल आवश्यकता है, रूटीन बहुत जरूरी है। देखिए, क्यों ऐसा करना पड़ रहा है, क्योंकि चूंकि अब 1 महीने ही है, 1 महीने में आपको पढ़ना तो बहुत कुछ है, ऐसा नहीं है कि पढ़ना नहीं है, 3 पेपर्स को कंप्लीट करने हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। तो हम लोग एक रूटीन बनाते हैं, मिनिमम 2 घंटा। ये एक आपको सामने आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है, ये एक डेमो रूटीन है कि आपको कैसे सेट करना है, इसमें बताया गया है। आप इसके हिसाब से अपना खुद का भी रूटीन बना सकते हैं। चूंकि अब समय सिर्फ 1 महीने ही बचा हुआ है लगभग, तो मिनिमम 2 घंटा आपको देना ही है। अगर आपके पास ज्यादा समय है या फिर जैसे छुट्टियों का दिन है, सैटरडे संडे है या कोई हॉलीडे पड़ा हुआ है, तो आप उसमें ज्यादा समय दे सकते हैं, वो आपको मैनेज करना है। मिनिमम 2 घंटे आपको देने हैं, मैक्सिमम आप अपने हिसाब से देख लीजिए। इसमें क्या करना है आपको, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स, जिसको शॉर्ट में यहाँ पे AFB लिखा गया है, इसको कॉमन रखना है और इंटरचेंज करना है आपको पेपर 1 और 3 के बीच में। जैसे मान लीजिए मंडे को आपने फर्स्ट आवर पढ़ा PPP यानी कि प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, तो सेकेंड आवर में आप पढ़ेंगे अकाउंटिंग का पेपर, ठीक है। फिर अगले दिन यानी ट्यूजडे को आपने लीगल का पेपर पढ़ा फर्स्ट आवर में, सेकेंड आवर में आप अकाउंट्स को पढ़ेंगे। ऐसे ही आप देख रहे होंगे वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सिर्फ पेपर 1 और 3 को इंटरचेंज किया जा रहा है, अकाउंटिंग को सेम रखा गया है। संडे के दिन यानी वीक में एक दिन अकाउंटिंग को छोड़ के प्रिंसिपल्स और लीगल को रखा गया है। इस टाइप से आप अपना एक रूटीन बना लीजिए, जिसमें भी आपको बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होंगे जिनका अकाउंट्स निकल गया होगा या पेपर 1 निकल गया होगा, वो अपने हिसाब से रूटीन फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे जो रूटीन बताया गया है ये तीनों पेपर को साथ में लेकर चला गया है। तो ऐसा एक रूटीन बनाइए और अभी से स्टार्ट कीजिए, जो भी डाउट्स हो उसको क्लियर करते चलिए। सो दैट कि लास्ट में आप, बहुत लोग सोचते हैं कि लास्ट में 1 वीक का छुट्टी बैंक से ले लेंगे, उसमें पढ़ लेंगे, तो उस केस में क्या होता है कि 45, 43, 46, 48 पर जाकर के आप फंस जाते हैं, फिर अगला अटेम्प्ट आपको देना पड़ता है। लेकिन अभी से आप पढ़ेंगे तो देखा जाए तो 1 महीना लगभग आपको यहाँ पे 8 दिन इधर, 8 दिन 1 महीना, यानी राउंड ऑफ में 1 महीना 10 दिन आपके पास अभी भी है। तो ऐसा नहीं है कि समय आपके हाथ से निकल गया है, अभी भी बहुत समय है। 2-3 फ्रेंड्स तो ऐसा मैसेज कर रहे हैं कि सर अब समय नहीं है, सोच रहे हैं अगले अटेम्प्ट में एग्जाम देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा, एग्जाम इसी अटेम्प्ट में देना है। तैयारी आज से स्टार्ट कीजिए, बिल्कुल हो सकता है क्लियर, ऐसा नहीं है कि आप तैयारी नहीं कर पाएंगे, 1 महीना 10 दिन बहुत होता है GIB के लिए। देखिए, GIB का एग्जाम अगर आपका इस अटेम्प्ट में क्लियर हो जाता है तो GIB क्वालिफिकेशन के साथ साथ करियर ग्रोथ और इंक्रीमेंट मिलेगा आपको। अगर नहीं क्लियर होता है किसी भी कारण से तो आपको ये सब चीज से तो वंचित होंगे ही, साथ में अगले अटेम्प्ट में फिर से आपको इंस्टीट्यूट यानी IIBF को फी पेमेंट करना पड़ता है। आप कहीं ना कहीं 6 महीने का आपका पैसा का इंक्रीमेंट का भी लॉस हो जाता है। एक आपको जो मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलना होता है वो आपको नहीं मिलता है, आपको लगता है फिर से वही पढ़ना पड़ेगा, तीनों पेपर फिर से पढ़ना है। तो ये सब चीज को आप सोचिए कि अगर आप 1 महीने मेहनत कर लेते हैं
तो आप क्या पा सकते हैं, और एक महीने आप मेहनत नहीं करते हैं, लास्ट मोमेंट के लिए छोड़ते हैं, तो आपको क्या क्या आपका लॉस हो सकता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप तैयारी स्टार्ट कीजिए, और जो भी आपके आज के डिस्कशन से रिलेटेड डाउट्स हो, उन डाउट्स को आप कमेंट करके या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 6204547475 पर भेजकर भी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लर्न विद विपुल को और बेल आइकॉन दबाएं हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।